हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी थे हम गुलमर्ग में। अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:37। तो आज हम लोगों की प्लानिंग है कि जो गुलमर्ग के टॉप एंड बेस्ट प्लेसेस है वो एक्सप्लोर करें। टूरिज्म पर्सपेक्टिव से गुलमर्ग कश्मीर के बेस्ट एंड टॉप प्लेसेस में आता है, तो सबसे बेस्ट प्लेस है ये। और इसमें काफ़ी सारे लोकल प्लेसेस है जो कि आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक्सप्लोर करने की। बट अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले थे लेकिन रेन आ गई, तो आज मैं आपको दिखाता हूँ गुलमर्ग के रेन व्यू कैसे होते हैं यहाँ के। अभी रेन हो रही है बाहर, बल्कि थोड़ी देर पहले ज़्यादा हो रही थी, अभी कम हो रही है। तो ये गोल्फ कोर्स है यहाँ का, जो मेन गुलमर्ग है। और इधर इस पे चर्च है यहाँ पे गोल्फ कोर्स में, जो ग्राउंड है इसका गोल्फ का। और इधर आगे जाके इस रास्ते से गोंडोला आता है, फिर तो गोंडोला भी करेंगे हम लोग। और ये गुलमर्ग की जो पीर पंजाल वाली रेंज है ये वो दिखती है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है सुबह सुबह। तो अभी हम लोग थे अपने होटल में, होटल सहारा, बिल्कुल गुलमर्ग की एंट्री पे ये। और ये हम लोगों ने लिया था 4,000 का एक्सक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर। दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने पहली वीडियो ना देखी हो उनके साथ भी ये नॉलेज शेयरिंग हो जाए। और अब चलते करते ब्रेकफास्ट और फिर स्टार्ट करते। बारिश अभी भी कंटिन्यू है। माँ जो आप टीवी देखो तब जब तक रेन हो रही है, और क्या माँ जो तो यही चाहता है टीवी देखो। आइस गिर रही है क्या? ओ माय गॉड, माजू को तो आइस भी दिख गई। ऊपर तो स्नो फॉल हो रहा है वहाँ पे टॉप पे, बिल्कुल सेकंड फेस में। इसे बोलते हैं हॉर्स राइडिंग का जुनून। बारिश में भी लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं अभी गुलमर्ग में। वो देखो वहाँ पे अंदर से होटल कुछ ऐसा है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है। अपने होटल से सुबह सुबह गुलमर्ग का भी कुछ ऐसा आ रहा है, अभी टूरिस्ट आने स्टार्ट नहीं हुए। डाइनिंग एरिया जो को क्या चाहिए सुबह सुबह? चॉकलेट। फाइनली होटल से बाहर निकलने का मौका मिल गया, तो गुलमर्ग की सिचुएशन ऐसी है, बारिश में, बारिश हो रही है अभी। और चलते हैं अंदर, अभी अपनी गाड़ी उठाते हैं। आशिक भाई, ये आज हमें यहाँ के जो गुलमर्ग के टॉप एंड बेस्ट प्लेसेस है वो एक्सप्लोर कराएंगे। आशिक भाई गुलमर्ग के एक्सपर्ट है और पिछली सारी उम्र इन लोगों ने अपनी यहीं पर लगा दी टूरिस्ट की हेल्प करने में, तो इनसे अच्छा मुझे लगता है कि कोई हमें गाइड। और इन्होंने वादा किया इस बार के गुलमर्ग ने कश्मीर की जन्नत दिखानी है। गोल्फ कोर्स पे हम लोग अभी है, पहली बार जब आए सारे में बर्फ ही बर्फ थी यहाँ पर, निकलने की भी जगह नहीं थी यहाँ फरवरी में। और होटल भी यहाँ पे फुल है अभी बुकिंग होने की वजह से। अच्छा आशिक भाई, ये सुबह से मैंने देखा राइडिंग तो चल रही है। हाँ, ये हॉर्स राइडिंग जो है ये आज केबल कार नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा, बारिश की वजह से। हाँ, बारिश की वजह से। अच्छा, तो ये स्नो पे जा रहे हैं घोड़े। अच्छा, लेकिन लोगों की हिम्मत के दाते नहीं पड़ेगी, बारिश में राइडिंग कर रहे हैं लोग भीग भीग के, कुछ भी करके टाइम नहीं खराब कर रहे बिल्कुल अपना। टाइम का पूरा मजा ले, हाँ टाइम का पूरा एंजॉय कर रहे, बारिश का भी एंजॉय कर रहे हैं। पन्नी गिर रखी है घोड़े के ऊपर। अभी हम लोग जा रहे हैं बूटा बद्री साइटिंग के लिए गुलमर्ग। अभी हम लोग पहुंच गए नागन वैली में, और नागन वैली में जो व्यूज है ऑसम है। यहाँ पे क्लाउड सी क्लाउड है चारों तरफ, और अपने सामने वो एरिया है जहाँ पे हुई थी बजरंगी भाईजान की शूटिंग, ये बेसिकली। तो ब्यूटीफुल एरिया है, बहुत ही ऑसम एरिया जिसकी बात करी जाए। और चारों साइड के जो व्यू है ऑसम आ रहे हैं यहाँ से, क्लाउड्स और नेचुरल जो ब्यूटी है अपने पीक पे है यहाँ पे, ऑसम। इसका नाम होना चाहिए फ्लावर्स वैली। और ये बेसिकली यहाँ के गुलमर्ग के जो फ्लावर्स है नेचुरली जो यहाँ पे होते हैं वो ये है। तो ये है गुलमर्ग की नेचुरल ब्यूटी, जन्नत ऑन अर्थ। पापा देखिए नीचे, एक उसके लिए लगा रखा टाइम लैप्स के लिए मैंने, देखते कैसे निकलते हैं यहाँ से टाइम लैप्स। और आगे जाएंगे हम बूटा पथरी, इधर बहुत सारे शेफर्ड भी है। माँ जो अपने पोज दे रहा है ऐसे, तो पॉटी कर रहे हैं गुलमर्ग फ्लावर के साथ ऐसे बैठो रही। अभी हम लोग जा रहे हैं मुन्नी के घर जहाँ पे बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, तो वो है शूटिंग पॉइंट, वहाँ पे चलते हैं वहीं पे किंग में। और व्यू अगर यहाँ देखोगे आप ऑसम, वाह। और ये जंगली चेरी, अगर किसी को खांसी आती है वो यूज़ कर सकता है, इस पर छोटे छोटे दाने आते हैं। वहाँ पे गाड़ी खड़ी करी थी और ये पहुँच गए मुन्नी के घर में हम लोग, चलते अंदर। चलो मुन्नी के घर में अंदर। अंदर से ये मुन्नी का घर ऐसा होता है,
अंदर से मुल्ले का घर ऐसा होता है। उस टाइम उन्होंने दिखाया नहीं, ये देखो चूल्हा जल रहा है गर्म करने के लिए। वाह बैठिए आप यहाँ घर के अंदर चूल्हे बना लेते हैं बढ़िया से। हाँ यहाँ पे क्या जरूरत है एसी की, ये हो गया रसोई। अच्छा ये रसोई है छोटा सा, ये बेडरूम, ये हो गया बेडरूम, इस साइड गेस्ट हॉल। हाँ ये गेस्ट हॉल हो गया। तो बुन्नी का घर अंदर से ऐसा होता है, इसका धुआं बाहर निकलता है। हम लोग क्या भी रखते हैं, मिट्टी का सारा लकड़ी का और मिट्टी का बना हुआ है। बैठो मासू, बैठो इधर, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। चाय की दूध तो मिलेगा, पीवर भैंस का दूध। देखो दीदी आई है बनाने, छोटी इसके लिए दूध का एक गिलास, बाकी हम सब के लिए चाय बन रही है। माजू का दूध ठंडा कर रही है। अच्छा अच्छा मुन्नी के घर में बैठे। हाँ मुन्नी का घर है जहाँ पे शूटिंग हुई थी वो मूवी की, सलमान खान की बजरंगी भाईजान। तो मुन्नी का जो घर है यहाँ पे, चारों तरफ उसके फोग ही फोग आ गई क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है यहाँ पे, और अभी क्लाउड ही क्लाउड है चारों तरफ यहाँ पे। आपकी गाड़ी दिख रही है आपको, आप आपकी गाड़ी कहाँ पे है? तो ये था आज की जर्नी का हमारा पॉइंट नंबर वन। अब बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू की साइड में, देखते क्या वंडरफुल प्लेस दिखता है हमें आगे चल के। ये अपने सामने पीर पंजाल की रेंज है जो माउंटेन सीरीज है, और व्यू देखो क्लाउड का क्या व्यू है। बूटा पथरी जाते हुए रास्ते में एक ये पड़ती है जियारत, इसका नाम है जियारत शरीफ पीर मिस्टर अहमद शाह साहिब। तो ये है ऐसी है, ये भी विजिट की जा सकती है। जब तक ये जाम मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी, तो काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है यहाँ पे, क्योंकि एरिया इतना अच्छा है, बिल्कुल फॉरेस्ट में है, और एकदम यहाँ पे लगता है कि नेचुरल है सब कुछ, क्योंकि वही मिट्टी के घर, लकड़ी, वो सब चीज़ें यूज़ होती है। और अभी बारिश आ गई नहीं तो हम लोग बाहर रुकते हैं यहाँ पे, और भी टूरिस्ट यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि पूरा क्लाउडी वेदर हो रहा है आज एकदम, और भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे। बोटा पथरी जो इलाका है वो स्टार्ट हो चुका है, विलेज है बेसिकली एक, तो नेचर के लीप में बिल्कुल एकदम ये। और अभी चल के देखते हैं वहाँ पे एक लेक और एक रिवर। गाड़ी यही रोड पे पार्क कर दी और इधर से हम लोग आए गुलमर्ग से, और अभी और आगे जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक लेक देखनी है ऊपर, उसके लिए हमें यहाँ से ऑफरोडिंग करके ऊपर जाना पड़ेगा। तो चलते स्टार्ट करते हैं, रास्ते में जाते हुए केक्टस के ट्रीज, थोड़ी ऑफरोडिंग एंड चढ़ाई करनी पड़ रही है हमें, गाड़ी पीछे लगा दी रोड पे, ऐसे जाना है ऊपर चल के। तो ये लेक, ये इसके पानी की निकासी है, और ये नेचुरली माउंटेन के ऊपर है, नेचुरली पानी निकल रहा है इसमें से, वो पानी भी साफ है इसका। ये है बूटा पथरी की रिवर जहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, ऐसे रिवर जा रही है, ऐसे इधर से आ रही इधर जा रही है। तो बूटा पथरी ब्यूटीफुल लोकेशन है और भरपूर यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और जो नेचुरल ब्यूटी के पर्सपेक्टिव से जो है, ये बूटा पथरी ऑसम है, ब्यूटीफुल प्लेस है बहुत। ये घोड़े वाले भाई साहब है जो बिल्कुल गुलमर्ग के एंट्री पे खड़े रहते हैं और घोड़े की सर्विस देते हैं यहाँ पे, तो बारिश में भी इनकी सर्विस कंटिन्यू है। ये गोल्फ कोर्स के सामने का एरिया है, यहाँ पे पार्किंग भी होती है, होटल रेस्टोरेंट सब मिल जाते हैं। घोड़ों का जो चार्जेस है वो स्टार्ट होता है 1000 से लेके 2000 तक, तो डिपेंड करता है आपकी निगोशिएशन स्किल्स कैसी है, क्योंकि वो बहुत मैटर करती है यहाँ पे। लकीली बीच में हम लोगों को टाइम मिला, थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी और हम लोगों ने फटाफट से ये 3-4 प्लेसेस कवर कर लिए, और अभी अच्छी खासी बारिश हो रही है। हाल फिलहाल में अपने होटल में आ गए हम लोग, बट अभी अच्छी बारिश हो रही है और वहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर स्नोफॉल हो रहा है। वहाँ लाइट भी नहीं आ रही, वाईफाई भी नहीं चल रहा है ना? नहीं। ओहो आज रात में पता नहीं दिक्कत ना हो जाए, लाइट ना आए कभी आदमी। हाँ मैंने बोला था ना कि जब नहीं चलेगी लाइट ही नहीं है तो इंटरनेट ही कहाँ से चलेगा। अब यकीन आ गया गधू? हाँ उनके रेस्टोरेंट में भी अंदर तक घूम के आया, उन्होंने भी समझाया भैया जब लाइट आएगी तभी चलेगा। माउंटेन के ऊपर तो देख स्नोफॉल हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल वाइट हो गया, ताज़ा स्नो। हाँ फ्रेश है, दिख रहा है ना जैसे दूध की तरह नीचे आ रहा है वो। और अगर ऐसे होती रही ना 2 दिन बारिश तो यहाँ भी हो जाएगा फिर। गोल्फ कोर्स पूरा हरा भरा ग्रीन ग्रीन, बारिश की वजह से ये बंद कर रखा, नहीं तो यहाँ पे गोल्फ भी खेल सकते हो। टाइम हो चुका है 9:05 और हम लोगों का डिनर हो चुका है,
और अब टाइम है रेस्ट करने का। और कल हम लोगों की प्लानिंग है जो गुलमर्ग के रिमेनिंग प्लेसेस है, क्योंकि आज बारिश की वजह से हम लोग ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, तो कल हम लोगों की प्लानिंग है कि जो रिमेनिंग प्लेसेस है गुलमर्ग के टॉप एंड बेस्ट प्लेसेस वो एक्सप्लोर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे। अभी भी बारिश हो रही है, थोड़ा सा टाइम मिला था हमें बट उसमें हमने थोड़ी प्लेसेस कवर कर पाए आज, तो देखते अभी हमारे पास में टाइम है कर लेंगे कल, लेकिन बारिश ना हो।